तो हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे BGMI को बिल्कुल स्मूथ, मक्खन जैसा स्मूथ कैसे खेल सकते हो। बिल्कुल लैग फिक्स हो जाएगा, आपको मिनिमम से मिनिमम 40 to 50 FPS मिलेगा आपका, जितना भी लो PC हो कोई मतलब नहीं रखता, ठीक है। और गाइस, आप लोग मेरा चैनल पे जाके के मोस्ट पॉपुलर वीडियो देख सकते हो, उसमें भी मैं पहले जो फ्री फायर खेलता था, फ्री फायर का मैं लैग फिक्स का टिप्स देता था और वहाँ पर सेंसिविटी टिप्स देता था, ठीक है। वही सब वीडियो मेरा सबसे वायरल गया और सबसे हाई व्यू है वही सब वीडियो। लोग मेरा वीडियो क्यों देखते हैं? क्योंकि गाइस, मैं एकदम जेन्युइन ट्रिक बताता हूँ और उस ट्रिक को अप्लाई करके लोग को बेनिफिट मिलता है, इसलिए लोग वो सब वीडियो देखते हैं, ठीक है। और गाइस, मैं एक BGMI का भी सीरीज शुरू करूंगा टिप्स एंड ट्रिक्स के रिलेटेड, और यहाँ पर मैं सेंसिविटी ट्रिक्स भी दूंगा और बहुत सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो भी दूंगा, ठीक है गाइस। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक जीरो रिकॉल वाला सेंसिविटी टिप्स दूंगा, ठीक है। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको भी मक्खन मलाई जैसा BGMI खेलना है बिल्कुल स्मूथ, तो गाइस वीडियो को पूरा देखना। सो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करें। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको चार इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा और कुछ PC का सेटिंग बताऊंगा, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले तो मैं मेरा PC का कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा देता हूँ। बहुत हाई एंड PC मेरा नहीं है, एकदम मिड मिड भी नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोसेसर देख लो, Ryzen 3 2200G है, जो 4 कोर वाला प्रोसेसर है। मेमोरी 8 GB मेमोरी है, देख सकते हो। और एक 1060 6 GB ग्राफिक्स कार्ड है। ग्राफिक्स कार्ड मैंने रिसेंटली लिया, मेरा पहला ग्राफिक्स कार्ड नहीं था, फिर भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देता था और मेरा मेरा भी गेम प्ले बिल्कुल स्मूथ था, ठीक है गाइस। और आप लोग रिकॉर्ड भी कर सकते हो, अपनी 60 FPS रिकॉर्ड भी कर सकते हो, बिल्कुल भी लैग नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आपको कौन सा इमुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो मेरा केस में मैं यहाँ पर ब्लूस्टैक यूज कर रहा हूँ और इसका वर्जन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो ये वाला वर्जन है। और N32 मतलब 32 बिट वाला वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ। तो इस आपको कौन सा वाला इमुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो गैस, मेरा ख्याल से BGMI के लिए सबसे बेस्ट है गेम लूप, लेकिन गैस आप सभी को पता है गेम लूप इंडिया में बैन है। तो आप लोग गेम लूप को तो बिल्कुल डाउनलोड मत करो, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन गैस बहुत अच्छा इमुलेटर था, लेकिन मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। तो गैस, अब पॉइंट आता है आपको कौन सा वाला इमुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो गैस ये आपको मैं आपको समझा देता हूँ कौन सा वाला इमुलेटर। अगर आपका 4 कोर का प्रोसेसर है और 8 GB रैम है, तो गैस आप बिंदास गूगल में जाओ, कहीं पर ब्लूस्टैक वेबसाइट में जाओ और गैस BlueStack 5 को डाउनलोड कर लो, बिल्कुल आग बंद करके। अगर आपका 4 कोर वाला प्रोसेसर है, ठीक है, तो बिल्कुल आग बंद करके आप लोग BlueStack को डाउनलोड कर लो, ठीक है। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दिखाने जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बिल्कुल आग बंद करके आप लोग BlueStack 5 को डाउनलोड कर लो। N32 बिट वाला, 64 बिट वाला मत डाउनलोड करो, वो ऑप्टिमाइज नहीं है BGMI के लिए, मैंने ट्राई करके देखा हूँ, ठीक है। उसको बिल्कुल भी डाउनलोड मत करना, ठीक है। मैं नीचे डायरेक्ट लिंक दे दूंगा आपको इस वर्षन का, या फिर लेटेस्ट जो वर्षन है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा सब हर वक्त लेटेस्ट वर्षन ही रखना, ठीक है। और गाइस, इमुलेटर का बात तो हो गया, अब आ जाते हैं सेटिंग, मेन जो होता है सेटिंग। तो यहाँ पर सेटिंग में जाते हैं और गाइस, परफॉर्मेंस में यहाँ पर ही आपका 90% सेटिंग होगा, ठीक है, करना पड़ेगा। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। सबसे पहले CPU का, तो गाइस आपका CPU का कितना कोर है, तो आपको सिंपली टास्क मैनेजर में जाना पड़ेगा, परफॉर्मेंस में जाओ, CPU में जाओ और यहाँ पर 4 कोर है, ठीक है। इनका जितना भी होगा यहाँ पर दिखा देगा, 6 8 2 जितना भी होगा दिखा देगा, जितना भी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लो, ठीक है। रैम, रैम आपका जितना भी हो, 8 GB हो, 16 GB हो, जितना भी हो आप यहाँ पर वहाँ पर आपको कस्टमाइज करके 16 GB रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 4 GB से ऊपर मत जाओ, कोई फायदा नहीं है, मैं ट्राई करके देख चुका हूँ। और मेन चीज़ आता है यहाँ पर एनेबल हाई फ्रेम रेट, इसको आपको एनेबल करना होगा। यहाँ पर 240 मत करो, यहाँ पर आप लोग 90 से 80 करके रखो, ठीक है, बहुत अच्छा होता है। 240 मैंने फ्री फायर खेलता था तो इसलिए मैं यहाँ पर रखा हुआ हूँ, लेकिन 240 भी आप लोग रखोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और डिस्प्ले FBS इसको ऑफ ही रखो, इसको मैं ऑन रखता हूँ क्योंकि गाइस मुझे ज़रूरत पड़ता है मेरा कितना FBS देता है इसको देखने के लिए, ठीक है। अब आ जाओ डिस्प्ले में।
तो गाइस डिस्प्ले में भी आपको एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मैं सब कुछ बताऊंगा। तो गाइस फिर से टास्क मैनेजर में चले जाओ और गाइस यहाँ पर देख लो आपका कोर कितना है, 4 कोर है ठीक है। और इसका स्पीड कितना है, अगर उसका स्पीड 1 गीगाहर्ट्ज से 1.5 गीगाहर्ट्ज से कम है ठीक है, तो गाइस आप लोग सिंपली 720p पे रखो। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 720p या फिर 960 to 540p, इस दोनों रेजोल्यूशन में कोई भी एक रखो। अगर आपका 4 कोर प्रोसेसर है और आपका जो प्रोसेसर का स्पीड है वो भी थोड़ा हाई है, 2.5 से ऊपर ही है, तो गैस आप यहाँ पर 1080p पे खेल सकते हो 1080p। लेकिन गैस आपको मैं रिकमेंड करूँगा 1600 to 900, इसमें बिल्कुल मत खेलो, बिल्कुल गंदा FPS मिलेगा आप लोगों को। मैं भी ट्राई करके देख चुका हूँ। आप 1280p x 720p या फिर 1080p, इन दोनों में से कोई एक रखो आपका PC के मुताबिक। मेरा सेटिंग को बिल्कुल कॉपी पेस्ट मत करना, नहीं तो गाइस आपको बहुत ही गंदा वाला लैग मिल सकता है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ कौन सा सेटिंग कैसे सेट करना है, आप लोग समझ जाओ। DPI, तो गाइस DPI को कैसे सेट करें, फ्री फायर के लिए DPI बहुत हाई रख सकते हो, ऊपर DPI का बहुत मसला है। लेकिन गाइस DPI एक अलग मतलब सेंसिविटी के लिए आता है मेनली, आप लोग को इसको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना, 240 में रखो। मैं जब सेंसिटिविटी वीडियो बनाऊंगा वहाँ पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा DPI के बारे में, लेकिन आप लोग 240 में रख के चलो। और ये आप कुछ भी रख सकते हो, माउस का सा स्टाइल, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ग्राफिक्स में देख लो, यहाँ पर परफॉर्मेंस में रखो, ग्राफिक्स रेंडर पे OpenGL रखो और ऑटो सॉफ्टवेयर इनकोडिंग, अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड है तो ये ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ मत करना, और डिवाइस में देख सकते हो कुछ भी मत करना, गेम पैड तो यूज़ नहीं करोगे। प्रिफरेंस में भी आप देख लो जो मैं सेटिंग है इसको बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर सकते हो, यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कौन सा फ़ोन रखूँ, तो गाइस सब लोग बोलते हैं सैमसंग गैलेक्सी S22 Ultra रखो, आपको 90 FPS मिलेगा। लेकिन गाइस आप सभी को पता है जब से फ्री फायर का अपडेट, मतलब फ्री फायर बोल रहा हूँ, BGMI का अपडेट आया है, नया से लॉन्च हुआ है, तब से 90 FPS गायब हो गया है एंड्रॉयड से। लेकिन गाइस आप 90 FPS ला सकते हो, कैसे ला सकते हो, वहाँ पर आपको अलग से थर्ड पार्टी GFX टूल यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, आपका अकाउंट का रिस्क हो जाता है, किसी भी वक्त बैन हो सकता है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन आपको अगर 90 FPS चाहिए तो गाइस मुझे कमेंट करो, मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस यहाँ पर आ जाते मेन डिवाइस प्रोफाइल, कौन सा डिवाइस रखो। तो गाइस मैं आपको 3 डिवाइस रिकमेंड करूँगा, ROG 2, S22 Ultra और कहा गया OnePlus 8T। इन तीनों से आप ट्राई करो, जिसमें भी आपको अच्छा FPS मिलता है वहीं पर आप लोग सेट कर लो। नेटवर्क आप वोडाफोन या फिर एयरटेल, नेटवर्क में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर आप मैं जब बनाऊंगा पिन प्रॉब्लम का वीडियो, वहाँ पर मैं नेटवर्क में अलग से वीडियो सब एक्सप्लेन कर दूंगा, इसलिए इसको आप जो कुछ भी रख सकते हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये सब तो कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है, एडवांस में यहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ मत करना। और अबाउट में देख सकते हो मेरा वर्सन है, लेटेस्ट वर्सन सब हर वक्त रखना ठीक है, मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन जब वर्जन अपडेट होता है तब आपका गेम ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है ठीक है। सो ये तो हो गया ब्लू स्टैक का सेटिंग। तो गाइस अब आ जाते हैं BGMI के सेटिंग में। तो BGMI रखना पड़ेगा ठीक है, ग्राफिक्स एंड ऑडियो। तो बस मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा आपका जितना भी हाई पीसी हो, जितना भी हाई पीसी हो, हर वक्त बूट में रखना। एंड एक्सट्रीम 90 FPS तो उड़ गया है, आपको पता ही है, और ला सकते हो, लेकिन यस आपको अलग से GFX टूल यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर स्टाइल यहाँ पर आप क्लासिक, कलरफुल, इन दोनों में कुछ भी रखो, लेकिन इन तीनों में से कुछ भी मत रखो, क्योंकि मैंने ट्राई करके देखा। और ग्राफिक्स को आप हाई में खेल सकते हो, लेकिन हाई में खेलने से क्या होता है ना, आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये FPS गेम है, आपको जितना हाई FPS मिलेगा उतना आपको फ़ायदा है। तो गाइस यहाँ पर हमेशा स्मूथ में रखो, बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स देता है, आप मेरा लाइव स्ट्रीम में जाके भी देख सकते हो, मैं स्मूथ में ही लाइव स्ट्रीम करता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स मिलता है। और आप चले जाते हैं कुछ PC का सेटिंग में, जो कि बहुत मस्ट वॉच है। PC का सेटिंग अगर आप नहीं करोगे तो आपको मैं 100%
गारंटी देता हूँ आपको लैग मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप टास्क मैनेजर में जाओ और यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो वर्चुअलाइजेशन, ये मेरा इनेबल है। सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आप इमुलेटर में गेम खेलना चाहते हो तो वर्चुअलाइजेशन को आपको इनेबल रखना ही पड़ेगा। तो इसको कैसे रखना है, इसको आपको बायस में जाके इनेबल करना पड़ता है। अगर आप इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हो कैसे वर्चुअलाइजेशन ऑन करो। आपका मदरबोर्ड के मुताबिक ये अलग अलग टाइप होता है। मैं अगर आप वीडियो चाहते हो तो मैं नेक्स्ट एक वीडियो में आपको बता सकता हूँ, लेकिन ज़रूर से ज़रूर इसको इनेबल कर देना, क्योंकि अगर इसको इनेबल नहीं करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप बिल्कुल भी गेम नहीं खेल सकते हो। ठीक है, ब्लू स्टैक में कोई भी इमुलेटर में बिल्कुल गेम नहीं खेल सकते हो अगर आप इसको इनेबल नहीं करोगे। और गाइस अगर आपके पास एक ग्राफिक्स कार्ड है तो वहाँ पर भी कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। क्या कुछ सेटिंग करना पड़ेगा बताता हूँ, उससे पहले आपको पड़ेगा तो इस डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले अडेप्टर में जाना, और यहाँ पर आपका अगर कोई भी अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड नहीं भी होगा तो भी यहाँ पर आपका जो सीपीयू का इनबिल्ट ग्राफिक्स होगा वो दिखाएगा। मेरे पास यहाँ पर डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है इसलिए ग्राफिक्स कार्ड का नाम दिखा रहा है। अगर आपका इंटेल का प्रोसेसर होगा तो यहाँ पर इंटेल का कुछ समथिंग दिखाएगा, एएमडी का होगा तो रेडियन कुछ समथिंग दिखाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा और ड्राइवर में जाने के बाद अपडेट ड्राइवर कर लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर अपडेट ड्राइवर नहीं करोगे तो आपको आपका सीपीयू का 100% पोटेंशियल नहीं मिलेगा। तो बस इसको जरूर से कर लेना अपडेट ड्राइवर। अगर यहाँ पर से अपडेट नहीं होता है तो अगर आप सिंपली आपका जो सीपीयू का मॉडल है उस मॉडल का नाम गूगल में मेंशन करो और ड्राइवर लेटेस्ट ड्राइवर सर्च करो, आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करो इंस्टॉल कर लो। ठीक है, तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा ग्राफिक्स ड्राइवर का एक सेटिंग। तो गाइस आपका कोई भी ग्राफिक्स ड्राइवर हो आपको सिंपली उसको ओपन कर लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मेरा एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड है तो इसलिए मैं एनवीडिया का ड्राइवर को ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपको डिस्प्ले में जाके चेंज रेजोल्यूशन में जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं जाके आपको सिंपली रेजोल्यूशन दिख रहा है, यहाँ पर मेरा रेजोल्यूशन आप देख लो 1366x768 और रिफ्रेश 16Hz से। तो इसको आपको कैसे सेट करना पे मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सिंपल समय जाके सेटिंग में जाना पड़ेगा, सेटिंग में जाकर यहाँ पर डिस्प्ले में जाना पड़ेगा। और डिस्प्ले में जाके यहाँ पर देखो तो डिस्प्ले रेजोल्यूशन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा डिस्प्ले रेजोल्यूशन है 1366x768। तो गाइस आपका डिस्प्ले रेजोल्यूशन जितना भी होगा, अगर 1080p x1280 जितना भी होगा रिकमेंडेड, उसको आपको सिंपली यहाँ पर देख लेना पड़ेगा और ड्राइवर में जाके उसको ही सेट करना पड़ेगा। ठीक है, और रिफ्रेश रेट ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटर में 60Hz ही होता है। अगर आपका रिफ्रेश रेट बहुत हाई है तो जितना भी रिफ्रेश रेट होगा आपका मॉनिटर में तो उसको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो बस यही था सेटिंग। ठीक है, और कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, आप ये सब सेटिंग अप्लाई कर लो। मैं आपको गारंटी लेता हूँ आपका जितना भी FPS मिलता था, अगर आपका 1020 FPS मिलता था तो आपको मिनिमम से मिनिमम 40-50 FPS मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है गाइस, और अगर आप लोग 90 FPS का वीडियो चाहते हो और सेंसिटिविटी का वीडियो चाहते हो तो गाइस नीचे कमेंट करो, मैं 100% आपको एक जेन्युइन वीडियो ला के दूंगा जिससे कि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।